दोस्तों, लग रही है ना बढ़िया थाली। ब्रेकफास्ट में आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मजेदार थाली, जिसमें होगी आलू की तरी वाली सब्जी, जो बहुत ही मजेदार पूड़ी कचौरी आज समोसे के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। हम उसी टेस्ट में बनाएंगे। यहाँ पर पूड़ी है आटे की, हम पूड़ी बनाएंगे, बहुत ही मजेदार पूड़ी है। और मैक्रोनी जो बच्चों को हर बार ही पसंद आती है, और हरी चटनी, ये मैंने पहले से बनाकर रखी हुई थी, इसके साथ में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। वेलकम टू माई चैनल इंडियन किचन। तो इंडियन किचन में आज हम कुछ स्पेशल ब्रेकफास्ट लेकर आई हूँ। छुट्टी का दिन है, कुछ अच्छा खाने का मन करता है, तो हम आज कुछ स्पेशल बनाएंगे। यहाँ पर हम बच्चों के लिए आज मैं मैक्रोनी बनाऊंगी, सिंपल प्याज और आलू का तड़के में ये हम बनाएंगे, बहुत ही हेल्दी है। और टमाटर की सब्जी, पूड़ी, बहुत ही मज़ेदार हमारा नाश्ता होगा। तो चलो फटाफट बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने पानी को चढ़ा दिया है। इसमें मैंने नमक और एक चम्मच तेल का डाला है, ताकि मैगी जो हमारी मैक्रोनी है वो आपस में चिपके ना। पानी बॉईल होने के बाद हम मैक्रोनी को डाल देंगे। तो यहाँ पर पानी बॉईल हो चुका है, अब हम मैक्रोनी डाल देंगे और इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट लगेंगे, इसको अच्छे से बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो रही है, तब तक हम आलू बना रहे हैं। आलू हम ग्रेवी वाले बनाएंगे और झटपट से बन जाते हैं और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पूड़ी के साथ तो बहुत ही मज़ा आता है आलू खाने में। यहाँ पर हमने कुकर को चढ़ा दिया है, कुकर गर्म हो चुका है। कुकर गर्म होने के बाद इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच। तेल गर्म हो रहा है, तेल गर्म होने के बाद इसमें हम सबसे पहले गार्लिक और सूखी लाल मिर्च डालेंगे। यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें सूखी लाल मिर्च, थोड़े से गार्लिक कटे हुए, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और साथ में हम थोड़ी सी हींग डाल देंगे, हींग पाउडर, और इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे। आप यहाँ पर हरी मिर्च का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर गार्लिक और मिर्च पक चुकी है, अब इसमें हम लंबा कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को भी हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। एक मिनट लगेगा। देखिए यहाँ पर प्याज अच्छे से पक चुका है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे और साथ में ही हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में सबसे पहले हम स्वाद अनुसार नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालना है, थोड़ा सा सब्जी मसाला, अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, और यहाँ मेरे पास घर पे बनी हुई लाल मिर्ची और टमाटर की सॉस पड़ी है। ये थोड़ी सी तीखी है, क्योंकि हमें तीखा खाना, आलू तीखा खाना पसंद है, इसलिए हम 1 चम्मच इसका डालेंगे, 1 चम्मच के करीब। इससे इसका टेस्ट और भी दुगना हो जाता है। अब इसको अच्छे से 1 से 1.5 मिनट के लिए मिक्स कर देंगे, मसालों को अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पर मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब जो हमने आलू लंबे यहाँ पर मैंने अच्छे से धोकर रखे हुए हैं, इनको लंबे आकार में और थोड़ा सा मोटा काटा है, क्योंकि ये आसानी से गल जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब इस मसाले में हम आलूओं को डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मसालों में मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे, जितनी ग्रेवी हमने रखी है उतना ही पानी का यूज करेंगे।
अब हम इनमें पानी डाल देंगे। अब पानी को मसालों और आलू में अच्छे से मिक्स कर देंगे और कुकर को बंद कर इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। अब इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पर कुकर को हमने बंद कर दिया है। अब 2 से 3 सीटी आने तक अच्छे से पकाएंगे। तब तक हम अपनी मैक्रोनी देख लेते हैं। यहाँ पर मैक्रोनी बॉईल हो रही है। मैक्रोनी देखो अच्छे से बॉईल हो चुकी है। हमने इनको 80% तक ही बॉईल करना है। इसके बाद हम जब मसालों में इसको पकाएंगे तो 20% अपने आप ही पक जाएगी। अब इसको स्टीम कर लेते हैं। हमारे आलू अच्छे से पक जाएं, तब तक हम मैक्रोनी बना लेते हैं। मैक्रोनी के लिए मैंने वही पैन को दोबारा यूज़ की है जिसमें हमने मैक्रोनी को बॉईल किया था। अब इसको हम गर्म होने देंगे, उसके बाद इसमें हम तेल डालेंगे। पैन यहाँ पर गर्म हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम कुकिंग ऑयल डाल लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम सबसे पहले आलू डालेंगे बारीक कटे हुए। आलू डालने के बाद इसमें हम प्याज डाल लेंगे लंबा कटा हुआ। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से पकाएंगे जब तक इनका कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। और साथ में हम यहाँ पर हमने गार्लिक काट कर रखा हुआ था उसका यूज़ करेंगे। इसका टेस्ट मैक्रोनी में बहुत ही अच्छा आता है। अब ये तीनों चीज़ों को अच्छे से पका लेंगे जब तक प्याज अच्छा गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता और आलू का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। 2 से 2.5 मिनट लगेंगे इनको पकने में, अच्छे से पक जाएंगे। इसी स्टेज पर हम नमक भी डाल देंगे। अब इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से पकने देंगे। कटोरी लेंगे, मैक्रोनी के वो मसाले डालेंगे जो हमने मैक्रोनी में यूज़ करने हैं एक कटोरी में निकाल लेंगे। यहाँ पर हमने नमक पहले से ही यूज़ किया था, हमने डाल दिया है मैक्रोनी में के मसाले में। अब इसमें हम थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा मैगी मसाला, थोड़ी सी हल्दी। अब यहाँ पर मैंने नोर का जो कप सूप आता है वेजिटेबल सूप, उसका एक पैकेट जो 10 रुपए का होता है बाजार से आसानी से मिल जाता है, वो डाल लेंगे। इसका टेस्ट बहुत ही यमी सा आता है और मैक्रोनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसकी जगह पर मैगी मसाले का पाउच भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आलू और प्याज अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी चिली सॉस डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे क्योंकि हमने मिर्ची का पहले ही यूज़ किया हुआ है, थोड़ी सी चिली सॉस। अब इसको भी अच्छे से पका लेंगे। अब इसमें हम जो मसाले हमने रखे हुए थे वो डाल देंगे जो कटोरी में निकाले थे, और साथ में हमने जो व्हाइट रतन मैक्रोनी रखी थी वो भी डाल देंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैक्रोनी अच्छे से बन चुकी है, मसालों में अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो देखिए पूड़ी बनाने के लिए हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर हमने पूड़ियों को भी बेल लिया है, छोटी छोटी पतली पतली बेली हैं। तेल गर्म हो चुका है हमारा। अब हम एक एक कर पूड़ी को फ्राई कर लेंगे। अब हम पूड़ियों को अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं, दोनों तरफ से अच्छे से पका लेंगे। और हमने आलू की सब्जी को भी खोल कर देख लिया था, आलू की सब्जी भी बहुत अच्छे से पक चुकी है, अच्छे से मसालों में आलू मिक्स हो चुके हैं और हमारी मैक्रोनी बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम थाली बना लेते हैं क्योंकि हमारी सभी चीज़ें अच्छे से तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारी बहुत ही मज़ेदार ब्रेकफास्ट थाली बनकर रेडी है। आप भी
छुट्टी वाले दिन आप अपने बच्चों को इस थाली को बनाकर खिलाओगे तो आपके बच्चे और आपका परिवार खुश हो जाएगा, उनको बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पर ग्रेवी वाली आलू की सब्जी, पूड़ी, क्रिस्पी पूड़ी, मैक्रोनी और हरी चटनी, आप भी इस थाली को बनाकर इसको एंजॉय करो। मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।